उम्मीद करते हो बच्चों, मेरा नाम सागर और आप लोग देख रहे हैं टेक बॉय सागर चैनल। गाइस आज की इस नया वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस मैं आज बताऊंगा कुछ इस टाइप का वीडियो एडिटिंग जिसमें आप लोग 3D लेटर को फेंकते हो, और ये वीडियो टिकटॉक पे बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। वीडियो आप लोग इस वीडियो को बनाकर टिकटॉक पे अपलोड कर सकते हो। सो गाइस आप लोग उस तरीके का वीडियो कैसे बना सकते हो आपका एंड्रॉइड फोन से, मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। और गाइस अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे अगर नया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में जो बेल का आइकन दिखाई दे रहा है उसे भी प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा, ऐसा ही नया नया वीडियो देखने के लिए। तो आज वीडियो कर लेते स्टार्ट। सो गाइज इसके लिए सबसे पहले आप लोग काइनमास्टर को ओपन कर लेना होगा। काइनमास्टर को ओपन करने के बाद सिंपली आप लोग देख पा रहे इधर जो प्लस वाला आइकन है, सिंपली प्लस वाला आइकन के ऊपर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप लोगों को सिंपली इधर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा मेरा जो वीडियो है टिकटॉक वीडियो है, इसलिए मैं 9:16 का रिशू जो है ये वाला इससे मैं ले लूँगा। सो गाइज मैं इस रिशू को चूज कर लेता हूँ। चूज करने के बाद सिंपली आप लोगों को जो मीडिया वाला इधर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंपली मीडिया वाला ऑप्शन पे जाके अपना जो वीडियो है वीडियो को मैं यहाँ से ले लेता हूँ। वीडियो लेने के बाद सिंपली आप लोगों को जो वीडियो के अंदर जो बाकी फालतू का हिस्सा है, फालतू का हिस्सा का आप लोगों को यहाँ से कट कर देना होगा। सो गाइस मैं वीडियो को प्ले करके देख लेता हूँ, फालतू का हिस्सा जो है मैं वहाँ से कट कर दूंगा। यहाँ से मेरा जो बाकी का लेफ्ट साइड का जो हिस्सा है वो फालतू का हिस्सा है। उसके बाद सिंपली आप लोगों को वीडियो को लेयर के ऊपर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद जो कैंची का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इधर, सो सिंपली कैंची के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके लेफ्ट साइड को आप लोगों को यहाँ पर ट्रिम टू लेफ्ट जो है यहाँ से आप लोगों को कट कर देना होगा। उसके बाद जो लास्ट में जो फालतू का हिस्सा है, फालतू का हिस्सा को मैं यहाँ से कट कर दूंगा। सो गाइस मैं देख लेता हूँ। सो यहाँ पर जो लास्ट में फालतू का हिस्सा है इधर वीडियो को लेयर के ऊपर क्लिक करने के बाद कैंची के ऑप्शन पे जाने के बाद इधर जो लेफ्ट राइट साइड ट्रिम टूल राइट है सिंपली कट कर देना होगा। उसके बाद आप लोगों को वीडियो को प्ले करके देख लेना होगा कहाँ से आप लोग फेंक रहे हो। सिंपली मैं यहाँ से फेंक रहा हूँ। सो गाइस मैं सिंपली वीडियो को लेयर के ऊपर क्लिक करने के बाद कैंची के बाद जाने के बाद सिंपली मिडिल में एक और लेयर बना लूँगा। सिंपली यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दो लेयर बन गया। उसके बाद सिंपली आप लोगों को जो पहला वाला ऑप्शन है उसे ठीक ही रहने देना है, दूसरा वाला ऑप्शन पे आप लोगों को स्लो मोशन डाल देना है। सिंपली मैं इसका स्लो मोशन डाल देता हूँ, यहाँ से सिंपली स्लो मोशन कर दिया। उसके बाद सिंपली आप लोगों को एक बैकग्राउंड को ब्लर करना होगा। बैकग्राउंड को ब्लर करने के लिए सिंपली लेयर वाला ऑप्शन पे जाके यहाँ पर इफेक्ट्स दिखाई दे रहा है, इफेक्ट्स पे जाके बेसिक इफेक्ट, यहाँ से आप लोगों को जो पहला वाला दिखाई दे रहा है पहला वाला को चूज कर लेना होगा। उसके बाद आप लोगों को जो ब्लर है ब्लर को आप लोगों को फुल स्क्रीन कर देना होगा। सो गाइस उसके बाद सिंपली आप लोगों को ग्रीन स्क्रीन जो लेटर है, सिंपली आप लोगों को जो ग्रीन स्क्रीन लेटर को यहाँ से ले लेना होगा। सो गाइज मैं यहाँ पर जो टी वाला ग्रीन स्क्रीन है मैं इसे ले लिया हूँ। आप लोग सोच रहे तो मेरा नाम तो एस से शुरू होता है, मेरा नाम तो पी से शुरू होता है, लेकिन आप लोग सोच रहे हैं मैं टी से बना रहा हूँ। इसके लिए सिंपली मैं आप लोगों को वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, एक वहाँ से आप लोग ए से जेड तक कोई भी लेटर को 3D लेटर का ग्रीन स्क्रीन एनिमेशन मिल जाएगा आप लोगों को। सो गाइज उसके बाद सिंपली आप लोगों को वीडियो को लेयर पे क्लिक करना होगा, यानी जो ग्रीन स्क्रीन वाला वीडियो है उसको लेयर पे क्लिक करने के बाद सिंपली आप लोगों को क्रोमा की पे आना होगा। क्रोमा की पे आने के बाद सिंपली इसे एनेबल कर देना होगा। एनेबल करने के बाद सिंपली आप लोग देख लीजिए इसका जो फालतू का हिस्सा है लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड पे सिंपली आप लोगों को यहाँ से ट्रिम टू लेफ्ट कर देना होगा, लेफ्ट करके कट कर देना होगा। उसके बाद सिंपली आप लोगों को यहाँ से मैं वीडियो को प्ले करके दिखा देता हूँ। सो गाइस जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं वीडियो यहाँ से प्ले हो चुका है। उसके बाद सिंपली आप लोगों को क्या करना होगा, फिर से ग्रीन स्क्रीन वाला जो वीडियो है सिंपली आपको उसको ऊपर क्लिक करके इधर जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है की वाला एक ऑप्शन, इधर सिंपली आप लोगों की वाला ऑप्शन पे क्लिक करके प्लस वाला आइकन पे जाके सिंपली आप लोगों का जो टी है उसे यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से बड़ा कर देना होगा। बड़ा करने के बाद सिंपली आप लोगों को इधर राइट पे क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद मैं सिंपली आप लोगों को वीडियो को प्ले करके दिखा देता हूँ। सो गाइस जैसे आप लोग देख पा रहे
बहुत ही अच्छी तरीके से वीडियो यहाँ पर बन चुका है। आप लोग इस वीडियो को टिकटॉक पे पोस्ट कर सकते हो। आप लोगों को तो पता ही है अभी टिकटॉक पे बहुत ही सारा इस तरीके का ट्रेंडिंग में वीडियो चल रहा है। सो गाइज, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा। और गाइज, यहाँ पर वीडियो को सेव करने के लिए सिंपली आप लोगों को जो इधर शेयर वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंपली शेयर वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को एक्सपोर्ट मिल जाएगा। आप लोग चाहते हो जिस क्वालिटी पे सेव करने, सिंपली आप लोग यहाँ से क्वालिटी को चूज करके सेव कर सकते हो। मैं यहाँ से सिंपली इस वाले क्वालिटी को ले लेता हूँ। उसके बाद सिंपली आप लोगों को एक्सपोर्ट कर देना होगा। एक्सपोर्ट करने के बाद आप लोगों का जो वीडियो है सेव होना स्टार्ट हो जाएगा। और गाइज, मेरे चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में जो बेल का आइकन दिखाई दे रहा है उसे भी प्रेस करके ऑल कर दीजिए, ऐसा ही नया नया वीडियो देखने के लिए। सो गाइज, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट कोई और वीडियो पे कुछ इस तरीके का वीडियो लेकर।